أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I welcome you all in the online session of electronic circuit design course. We start the session with some previous content which is the decibel. What is the decibel? लास्ट हमने ये डिस्कस किया था कि डेसिबल क्या होता है. एक लॉगरिथमिक यूनिट है जो कि गेन और आपके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आपके एंटिटीज जिनका डेसिबल निकाला जाता है या वो एंटिटीज जिनको डेसिबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो गेन दो तरह के होते हैं. या तो वो वोल्टेज गेन होते हैं या वो पावर गेन होते हैं. पावर गेन को आपने अगर डेसिबल में कन्वर्ट करना है तो पावर गेन का लॉग ले लें, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, देन जो आपका पावर गेन होगा वो डेसिबल में रिप्रेजेंट हो जाएगा. ये एक रिव्यू मैं दे रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी इससे आगे डिस्कस कर चुके हैं बेसिक एंटिटीज़ दीगर टॉपिक की कैस्केडेड फॉर्म में उन्हें अरेंज करने के लिए. हम यहाँ पे एक रिव्यू कर रहे हैं ताकि हम अगले सेशंस को प्रीवियस से ज्वाइन कर सकें और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम रिव्यू भी कर सकें इस तरीके से. उसके बाद फिर हमने डिस्कस करना था, डिस्कस किया हमने कि जो हमारा वोल्टेज गेन होता है उसका अगर लॉग ले लें हम और उसे 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारी वोल्टेज गेन डेसिबल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाई जाएगी. अच्छा जी, इसी के साथ साथ अगर ये गेन आपका रिप्रेजेंट होता है और ये लेस देन टू वन हो तो रिप्रेजेंट होता है डेसिबल में, गेन इज नेगेटिव एंड इट इज़ यूजली कॉल्ड अटेनुएशन. अगर गेन आपका नेगेटिव हो तो वो आपकी अटैनुएशन होती है. गेन अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में हो, पॉजिटिव हो तो उसे गेन ही कहते हैं, लेकिन अगर वो नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे अटैनुएशन कहते हैं. अटैनुएशन वो फैक्टर है जो आपकी एम्पलीफिकेशन को डिग्रेड करता है या उसे रिड्यूस करता है, ठीक है. और अटैनुएशन एक्सेप्टेबल नहीं है. बास केसेस में अगर आपको गेन कम करना हो तो उस एस्पेक्ट के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमूमन ये कॉन्सेप्ट कम इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद फिर हमने एक न्यूमेरिकल किया था कि एक नॉर्मल गेन टू डेसिबल कन्वर्जन का, कि किस तरीके से डेसिबल में एक नॉर्मल वोल्टेज गेन पावर गेन को कन्वर्ट किया जाता है. उसके बाद हमने ये एस्पेक्ट डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल की फॉर्म में. अगर कोई सवाल प्रीवियस सेशन से अब तक किसी के जहन में है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं रिकॉल कर दूंगा, नहीं तो हम आगे तो चल ही रहे हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ज़ीरो डेसिबल एज अ रेफरेंस हम जिसे कहते हैं. उसके बाद फिर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे 3 डेसिबल के, 6 डेसिबल, 12 डेसिबल, 18 डेसिबल के ये एस्पेक्ट्स किस तरीके से चलते हैं और उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है. अच्छा जी, देन क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी डिस्कस की हमने और उसी के साथ साथ हमने ये डिस्कस किया कि एंटिटीज जो हमारी वोल्टेज गेन में रिप्रेजेंट की जाती हैं अगर वो 32 हों उसका अगर डेसिबल लिया जाए तो डेसिबल के स्केल में वो किस तरह रिप्रेजेंट की जाएंगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने देखी. यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ या बड़ी वैल्यूज़ को जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपके सामने हैं. 1 का अगर डेसिबल लें तो वो 0 बनता है क्योंकि लॉग 10 का 1 की एंटिटी में ट्रांसफॉर्मेशन 20 के रिस्पेक्ट वो 0 बनता है. और सो ऑन टू दैट, अगर छोटी वैल्यूज़ के हम इस तरह से डेसिबल में कन्वर्जन करें लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आंसर्स हमारे नेगेटिव में आते हैं. अच्छा, यहाँ तक हमें करने के बाद फिर यहाँ हमने डिस्कस किया था कि ऑल्सो इज अ क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी द वोल्टेज इज 70.7%. अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो ये जो -3 डेसिबल आता है ये भी एक रेफरेंस होता है और 0.707 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे अगर देखें तो वो 70% मिड रेंज कहलाती है, ठीक है. 70% कैसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो वो 70.7% मिड रेंज बन जाएगी और वैल्यू और एक्सप्रेस इन डेसिबल में रिप्रेजेंट करता है. तो ये मिड वैल्यू डेसिबल में निकालने का तरीका और उसकी वैल्यू -3 डेसिबल होती है, इस तरह रिप्रेजेंट इसे करते हैं हम. ओके जी, इसी के बाद अगर आप देखें तो हमने ये न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे, इसको भी एक रिव्यू करवा देता हूँ मैं. अ सर्टेन एम्पलीफायर हैज़ अ मिड रेंज RMS आउटपुट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट. वॉट इज द RMS आउटपुट वोल्टेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिबल गेन रिडक्शंस विद अ कॉन्स्टेंट RMS इनपुट वोल्टेज. इसमें फॉलोइंग डेसिबल के क्वेश्चंस दिए गए, इनको डेसिबल से वापस निकालने का जो तरीका होता है अब हम उस पर बात करेंगे. जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो है वो मल्टीप्लाई द मिड रेंज आउटपुट वोल्टेज बाय वोल्टेज गेन.
वोल्टेज गेन से मिड रेंज वोल्टेज गेन को मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग टू दी स्पेसिफाइड डेसिबल वैल्यू, और फिर आपको वो मिल जाएगी। जैसे कि -3 डेसिबल है आपकी वैल्यू, उसको आप 70% वैल्यू यानी 70.7% को डिवाइड बाय 100 अगर आप कर दें तो वो आपकी कन्वेंशनल वैल्यू आ जाएगी जो कि सिंपल गेन की होगी। तो उस वैल्यू को आप अपने 10 से मल्टीप्लाई कर दें जो कि ये 30 बनती है, तो उससे 7.07 आपको मिल जाएगा रिजल्ट इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये होता है कि अगर डेसिबल से कन्वेंशनल वे में लेके आते हैं तो फिर उसको वही है इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं कि आप जैसे ये आपके पास वोल्टेज गेन की वैल्यूज हैं तो उनको डिवाइड बाय 20 कर लें, लॉग का यहाँ पे इन्वर्स ले लें और 70 उस तौर पे निकली जाएगी। तो इस हिसाब से ये वैल्यू आपकी इस तरह से डेसिबल से कन्वेंशनल वे में दिख जाएगी। तो उसको रिवर्स प्रोसेस लॉग करने का तरीका अमूमन इस तरीके से होता है कि सारी चीज़ों को उस तरफ लेके जाएँ और कन्वर्शन में सॉल्व कर लें और आपको एक कन्वेंशनल वैल्यू वहाँ से हासिल हो जाएगी जो कि यहाँ पे डेसिबल में मिल रही थी। तो जी यहाँ तक क्लियर है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी होपफुली और आवाज़ भी क्लियर होगी। आप लोगों के पास कोई डिफिकल्टी यहाँ तक है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। फर्दर यहाँ पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक कन्वेंशनल टॉपिक डिस्कस हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि नॉर्मल हमारे टॉपिक्स और न्यूमेरिकल्स में हम करते ही हैं। अच्छा, वोल्टेज के डेसिबल को हमने डिस्कस किया था, इसके बाद जो है हम पावर से डेसिबल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। पावर का आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको डेसिबल में एक कन्वेंशनल पावर को कन्वर्ट करना है तो आपके पास 32 मिली वॉट है। इस पावर को आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे एक डेसिबल में, तो 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग और दैट पर्टिकुलर पावर। फॉर्मूला दिखा देता हूँ, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ये जी 10 लॉग और दैट पर्टिकुलर कन्वेंशनल वैल्यू, इनको सॉल्व करते हैं तो हमें डेसिबल में यानी 3-3 डेसिबल आपको हासिल हो जाती है वैल्यू। तो ये पावर में निकालने का तरीका है, इससे पहले भी एक जगह हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ये देखें पावर में 10 लॉग दैट पावर ऑफ गेन ऑफ पावर सिंप्लीफिकेशन एंड वी गॉट दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन डेसिबल। फर्दर वी मूव ऑन टू दी दिस स्केल ऑफ पावर, सॉरी दिस इज द वोल्टेज स्केल, कम्स टू द पावर स्केल। तो इसमें हम करते ये हैं कि हम 32 मिली वॉट ये पावर है हमारी, ये गेन भी है, इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं, लॉग लेते हैं इसका और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 डेसिबल मिली के अंदर इस तरह से रिजल्ट, क्योंकि आंसर में मिली में था तो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं और उस तरह से हमें ये वैल्यूज हासिल होती हैं। पावर इन डेसिबल मिली वी कैन यूज फॉर एग्जांपल 3 डेसिबल मिली इज इक्वलेंट टू 2 मिली वॉट, जो कि टेबल में मेंशन भी है, बिकॉज 2 मिली वॉट इज ट्वाइस द 1 मिली वॉट रेफरेंस, 6 डेसिबल इज द इक्वलेंट ऑफ 4 मिली वॉट एंड सो ऑन लाइक वाइज। जैसे कि हम उसको देखें तो एक दूसरे के इक्वलेंट या उसके डबल दैट वैल्यू पे हमें नजर आ रही है, दैट इज वी कॉल ट्वाइस। -3 डेसिबल इज द सेम एज 0.5 मिली वॉट और शोज इन द पर्टिकुलर टेबल दैट वी ऑलरेडी डिस्कस हेयर शो सेवरल वैल्यूज ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ डेसिबल मिली। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है लो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर रिस्पॉन्सेज। तो एम्पलीफायर रिस्पॉन्सेज जो कि लो फ्रिक्वेंसीज के हैं, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। और इसमें जो अब तक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं रिकॉल कर दूंगा, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस, आई विल एलैबोरेट यू। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 10-3 लो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर रिस्पॉन्स। द वोल्टेज गेन एंड फेज शिफ्ट ऑफ कैपेसिटी कपल्ड एम्पलीफायर्स आर अफेक्टेड व्हेन द सिग्नल फ्रिक्वेंसी इज बिलो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपके वोल्टेज गेन होते हैं और जो फेज शिफ्ट कैपेसिटिवली कपल्ड होते हैं, फेज शिफ्ट के नतीजे में कैपेसिटिवली कपल्ड होने के नतीजे में एम्पलीफायर को काम करते हैं, फिल्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं और कंपैटिबिलिटी इनपुट आउटपुट को मैच करने के लिए भी आप कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करते हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर्स में भी हम अपने
जो 8-9 में डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें सारी की सारी. एट लो फ्रिक्वेंसीज द रिएक्टेंस ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर्स बिकम्स सिग्निफिकेंट, रिजल्टिंग इन अ रिडक्शन इन वोल्टेज गेन एंड एन इंक्रीज इन द फेज शिफ्ट. तो इसके नतीजे में होता ये है कि जब हम लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल उससे डील कर रहे होते हैं तो कपलिंग कैपेसिटर्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट अपना रोल प्ले करते हैं, और उसके नतीजे में, इन कपलिंग कैपेसिटर के नतीजे में, जो आपकी वोल्टेज गेन रिडक्शन कुलपल हो रही होती है, ये चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, एंड एन इंक्रीज इन फेज शिफ्ट, और फेज शिफ्ट में भी इससे इंक्रीज से हो रहा होता है. फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्सेज ऑफ बोथ BJT एंड FET कैपेसिटिवली. तो अगर आप यहाँ देखें फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्सेज जो आपके होते हैं, ये चीज़ आपको BJT में भी नज़र आएगा. फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे, फेज शिफ्ट और गेन का रिडक्शन होना, इस रिस्पॉन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये चीज़ BJT में भी होती है और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में भी होती है. अच्छा, हमारा स्कोप ECD में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, जबकि ADC में वो स्कोप BJT के ऊपर ज़्यादा होता है. ठीक है, कैपेसिटिवली कपल्ड एम्पलीफायर आर डिस्कस हेयर. सो उसे पढ़ने के लिए हम कुछ बेसिक सिनेरियोज डिस्कस करेंगे BJT एम्पलीफायर के लिए सबसे पहले, क्योंकि कोर्स आउटलाइन देखें तो उसमें BJT भी एज वेल FET के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अ टिपिकल कैपेसिटिवली कपल्ड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज शोन इन दिस फिगर. अज्यूमिंग दैट द कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स आर आइडियल शॉर्ट्स एट द मिड रेंज सिग्नल फ्रिक्वेंसी, यू कैन डिटरमिन द मिड रेंज वोल्टेज गेन यूजिंग वेयर द RC इज पैर RC इक्वल टू RC पैरेलल विद RL. अच्छा, आप यहाँ देखें तो यहाँ भी RC है, सॉल्व करके RL के साथ दोबारा RC मिलेगा. तो इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो कैपिटल लेटर वाली वैल्यूज़ होती हैं वो आपको DC वैल्यूज़ कहलाती हैं, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे आप DC वैल्यू को एक दूसरे से पैरेलल सॉल्व करके, तो आपको यहाँ पे हासिल हो जाएगी AC की वैल्यू. AC मीन्स AC एनालिसिस में यूज़ होने वाले पैरामीटर की वैल्यू स्मॉल लेटर स्मॉल C से रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि कैपिटल लेटर में जो यूज़ की जाती है वो आपकी DC एनालिसिस की वैल्यू होती है. इनमें यह फ़र्क होता है कैपिटल वैल्यू और स्मॉल वैल्यू का, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो जितने भी कैपिटल लेटर आपको नज़र आएंगे वो DC एनालिसिस की वैल्यू के हैं, और जो भी स्मॉल लेटर आपको नज़र आएंगे, ये गेन तो V तो होता ही स्मॉल में, लेकिन बाहर ये गेन होता भी AC में ही है. तो स्मॉल लेटर में यूज़ होने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें कहा जाता है कि वो DC एंड AC एनालिसिस की वैल्यू होती है. तो आप यहाँ देखें तो वोल्टेज गेन मिड इक्वल टू RC ओवर RE डैश. ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए देखें, तब तक 1 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं अजान का, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे. कोई सवाल बीच में हो तो पूछ लीजिएगा. स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं सेशन को अपने आफ्टर दी अजान ब्रेक. मैं ये बता रहा था कि मिड वोल्टेज गेन हम किस तरीके से उसके बाद निकालेंगे कि RC डिवाइड बाय RE डैश, जो एक इंटरनल जंक्शन रेजिस्टेंस हमारे BJT की होती है, और RC आपकी कलेक्टर रेजिस्टेंस होती है. ये तकरीबन सब लोग जानते हैं कि ये कलेक्टर का एक सबस्ट्रेट है, कलेक्टर है, ये बेस है, और ये इमीटर है. BJT में इसका रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके जंक्शन की जो रेजिस्टेंस बेस टू इमीटर हो या बेस टू कलेक्टर हो वो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस, और मेजोरिटी RE डैश जो ली जाती है वो बेस टू इमीटर की रेजिस्टेंस जंक्शन की ली जाती है, क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइस है जबकि ये रिवर्स बाइस होता है. तो RE डैश जो है वो आपको रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरनल जंक्शन रेजिस्टेंस, और कलेक्टर रेजिस्टेंस का जो रेशियो लेंगे आप उससे आपको मिल जाएगी मिड रेंज ऑफ वोल्टेज गेन. इफ अ सैंपलिंग रेजिस्टेंस RE1. अच्छा, बाज़ का भी होता है कि हम बाईपास कैपेसिटर से पहले और बाईपास कैपेसिटर के बाद, दरमियान में बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ होता है तो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो इस वजह से RE जो है वो दो बाज़ बायसिंग टेक्निक्स में रिप्रेजेंट की जाती हैं, जो कि RE1 और RE2 रिप्रेजेंट होती है. वो ये इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आपके पास RE डैश के साथ RE की रेजिस्टेंस भी मौजूद हो तो उसको भी आप अपने सर्किट में शामिल करेंगे. तो इज यूज इट अपेयर्स इन सीरीज विद RE डैश एंड द इक्वेशन बिकम्स AV mid इक्वल टू RC ओवर RE डैश प्लस RE
1. This is the particular resistance of emitter resistance, which is represented also in the circuit. तो अब अगर यहाँ आप देखें अ कैपेसिटिवली कपल्ड बीजेटी एम्पलीफायर जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है वो आपके सामने भी है, ये आपकी कपलिंग कैपेसिटेंस है और ये आपकी कपलिंग कैपेसिटेंस है और ये बाईपास कैपेसिटर है और उसके बाद पे हम यहाँ पे चीज़ें पढ़ रहे हैं वोल्टेज मिड रेंज गेन हम इस तरीके से हासिल करने के बाद आगे चलते हैं और इसे सिंप्लीफिकेशन के लेवल पर मज़ीद आगे बढ़ाएंगे. द बीजेटी एम्पलीफायर इन रिप्रेजेंट इन फिगर A-10 has three high-pass RC circuits that affects its gain as the frequency is reduced below mid-range. These are shown in the low-frequency AC equivalent circuit in figure 10-9. अच्छा अब इसी सर्किट को जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म हमें 8-9 में दिखाई जा रही है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं वो चीज़ इक्विवेलेंट सर्किट के तौर पे यहाँ पे नज़र आ रही है हमें दिखाई भी जा रही है. सो फर्दर मोर अगर इस कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलें तो इसको देखें कि अनलाइक द एसी इक्विवेलेंट सर्किट इज यूज इन द प्रीवियस चैप्टर्स भी. अच्छा ये प्रीवियस चैप्टर से मुराद ये कि वो इक्विवेलेंट सर्किट जो कि चैप्टर 7 से पहले बीजेटी में पढ़ाए गए उन इक्विवेलेंट सर्किट्स की बात हो रही है. इक्विवेलेंट सर्किट हम क्यों बनाते हैं, चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं और एम्पलीफिकेशन को समझने और एसी एनालिसिस करने में उससे आसानी रहती है. एनालिसिस चाहे एसी का हो डीसी का हो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने से हमें उसमें आसानी रहती है और ये अंदाज़ा हो रहा होता है कि वोल्टेज डिवाइडर कहाँ पे, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग कैसे इस्तेमाल हो रही है, एम्पलीफिकेशन किस तरह फुलफिल हो रही है और फर्दर जो सर्किट्स में पैरामीटर हैं वो किस तरीके से इक्विवेलेंट वे में सॉल्व होते जा रहे हैं. इसीलिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाना ज़रूरी होता है चाहे वो एसी का हो एनालिसिस या डीसी का हो, इक्विवेलेंट सर्किट दोनों में काम आता है. अनलाइक अच्छा और अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही तो आप प्रीवियस चैप्टर्स को जाके रिव्यू ज़रूर कर लें, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर में कि इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से उसमें बनाते हैं और इस्तेमाल किया जाता है. अनलाइक द एसी इक्विवेलेंट सर्किट इज यूज इन द प्रीवियस चैप्टर विच रिप्रेजेंटेड मिड रेंज रिस्पॉन्स दैट एक्स इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 ओम, क्योंकि उसमें हमने इसमें काउंट नहीं किया था लेकिन लो फ्रिक्वेंसीज में ये जो XC की वैल्यू है कम होती है क्योंकि फार्मूला आपको याद होगा XC इक्वल टू 1/2πfc. अब फ्रिक्वेंसी अगर लो है ऑटोमेटिकली तो लो फ्रिक्वेंसी के नतीजे में आपको XC अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 ही मिलेगा. और ये हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उससे इनवर्स रिलेशन रखती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है. फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XC कम होगा और फ्रिक्वेंसी कम करेंगे तो XC बढ़ेगा. और फ्रिक्वेंसी अगर लो है, लो मतलब कम फ्रिक्वेंसी, तो XC आपका अप्रॉक्सीमेटली 0 मिलेगा. ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट रिटेन्स द कपलिंग बाईपास कैपेसिटर्स बिकॉज XC इज नॉट स्मॉल इनफ टू निगलेक्ट व्हेन द सिग्नल फ्रिक्वेंसी इज सफिशियंटली लो. सिग्नल की फ्रिक्वेंसी सफिशियंटली जब लो होगी तो उसके मुताबिक इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा. द टोटल frequency of AC equivalent circuit of the amplifier that is represented in previous circuit consists of three high pass RC circuits. अब इसी चीज़ को आप देखें तो उसने simplify करके इसको एक resistance R1 R2 को voltage divider करके एक resistance तक transform कर दिया है. यहाँ पे RN यानी input resistance को represent किया गया है जो कि यहाँ पे appear होती है. उसके बाद यहाँ पे input AC जब in होता है तो ये input resistance count करने के बाद इनपुट रेजिस्टेंस इमीटर साइड पे जंक्शन पे भी प्रोड्यूस हो रही होती है, इसको भी काउंट करते हैं. और साथ ही साथ जो तीसरा आपको एक हाई पास सर्किट बताया जा रहा है, लो फ्रिक्वेंसी हाई पास सर्किट, उसमें RC सर्किट में RC, RC और RC, ये तीन RC सर्किट्स हैं जो कि हाई पास सर्किट कहलाते हैं. अच्छा उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कलेक्टर से लेके जो कैपेसिटिव होते हुए रेजिस्टेंस से ज्वाइन होता है, ये भी एक तीसरा सर्किट है आपका. ये आपका आउटपुट का है, ये इनपुट और ये इनपुट का. इस तरीके से तीन आपके सर्किट्स कनेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे. टिल नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी प्लीज फील फ्री टू डिस्कस, अदरवाइज वी कंटिन्यू द सेशन. ओके, one RC circuit is formed by the input coupling capacitor C1 and the input resistance of the amplifier. The second RC circuit is formed by the output coupling capacitor C3. अच्छा जी, पहले उन्होंने बताया कि इनपुट सर्किट्स आपके क्या हैं, फिर सेकंड उन्होंने बताया कि आपका एक आउटपुट सर्किट जो कि 3 पे लगा हुआ है कलेक्टर साइड से,
और रेजिस्टेंस लुकिंग इन द कलेक्टर आर आउट एंड टोटल रेजिस्टेंस द थर्ड आर सी रेजिस्टर सर्किट दैट इफेक्ट द लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इमीटर बाईपास कैपेसिटर दैट इज सी टू दैट इज द आउटपुट कैपेसिटर एंड द रेजिस्टेंस लुकिंग इन एट दैट द इमीटर द इनपुट आर सी रेजिस्टर जिसके बेस पे ये चीज बताई जा रही है द इनपुट आर सी रेजिस्टर सर्किट फॉर द बीजेटी एम्पलीफायर दैट इज रिप्रेजेंट इन 8-10-8 इज फॉर्म बाय C1 एंड द एम्पलीफायर्स इनपुट रेजिस्टेंस एंड इज शोन इन दिस फिगर. अच्छा उसके बाद हमने पहले तो उन्होंने जनरलाइज सर्किट बताया और आगे जो आर्ट के बाद 10th का सर्किट बना उसमें उसने उन्होंने इक्विवेलेंट सर्किट उसका बनाया. और ओवरऑल समरी उसकी यही है कि जब आखिर में हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं पूरे सर्किट को तो हमारे 3 हाई पास सर्किट आपको मिले हैं जिनके अंदर सी आर आर सी के कॉम्बिनेशन में आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाई गई बताई गई है. एट द एंड में उन्होंने ये बताया कि आप अगर बेस के वोल्टेजेस निकालना चाहते हैं तो उसको निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि आर इन जो रेजिस्टेंस इनपुट साइड होती है उसको ओवरऑल डिवाइड कर लें स्क्वायर रूट ऑफ आर इन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ सी वन. इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे ऐड करने के बाद इसे डिवाइड करेंगे तो आप मल्टीप्लाई वी इन करते हैं तो आपको वी बेस निकल जाएगा. इनपुट आर सी सर्किट फॉर्म बाय द इनपुट कपलिंग कैपेसिटर एंड द एम्पलीफायर्स इनपुट रेजिस्टर. उसके नतीजे में आप देखें तो इनपुट वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड किए गए एक कैपेसिटर कपलिंग के तौर पर लगा होता है स्टार्टिंग में. ये सर्किट कौन सा है जो बताया जा रहा है ये वाला है यहाँ पे जिसकी बात हो रही है. तो ये पहले सर्किट को एलैबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे कि वो किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है. अच्छा इसके बाद जो है ट्रांजिस्टर बेस अगर आप देखें तो वी बेस के बिहाफ पे यहाँ पे आर एन वन आर एन टू और आर एन बेस फिर जो बेस रेजिस्टेंस निकाली जाती है ये चीज़ें हमें 3-4 चैप्टर में मिलेंगी जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ. फर्दर मोर हम यहाँ से आगे चलते हैं. इसके बाद हम अगर वैल्यू वी बेस निकालना चाहें तो आर एन को यहाँ पे रिप्रेजेंट और ये सिंप्लीफिकेशन सर्किट ऊपर बताया है ये यहाँ पे प्लेस करें और उसके बिहाफ पे सॉल्व करें. अच्छा आर एन और आर एन को एडअप करेंगे तो 2 और ये इस तरह रिप्रेजेंट होगी स्क्वायर से रूट कट जाएगा रूट सिर्फ 2 पे आ जाएगा. और फिर इसको सॉल्व करने के बाद इसमें यह बताया गया है कि जो बेस वोल्टेज हैं वो 0.707 वी इन के बराबर होते हैं. और कैटेगोरिकली अगर आप मेजर इन डेसिबल्स करना चाहते हैं तो फिर आप वी बेस डिवाइड बाई वी इन करें इसका लॉग ले लें और 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको यहाँ पे वो मिड रेंज फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी जो कि -3 डेसिबल होती है. ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले भी हम पढ़ के आ ही रहे हैं ग्राफ ऑफ डेसिबल इन वोल्टेज गेन एंड ग्राफ ऑफ डेसिबल इन पावर गेन. फर्दर मोर इसे हम आगे बढ़ाते हैं द कंडीशन वेयर द गेन इज डाउन 3 डेसिबल इज लॉजिकली कॉल्ड द 3 डेसिबल पॉइंट ऑफ द एम्पलीफायर रिस्पॉन्स. द ओवरऑल गेन इज 3 डेसिबल लेस देन एट द मिड रेंज फ्रिक्वेंसीज बिकॉज ऑफ द अटैनुएशन गेन लेस देन 1 गेन जो है आपका अगर वो लेस देन 1 होगा ऑफ द इनपुट आर सी रजिस्टर द फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ ऑफ सी एल जो कि लो फ्रिक्वेंसी कहलाएगी आपके एट विच दिस कंडीशन अकर्स इज कॉल्ड द लो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ऑल्सो नोन एज द लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर वो बीजेटी में भी हम इस्तेमाल करते हैं और जो रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस करते हैं फिल्टर के कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस करते हैं. कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो होती है जिसके ऊपर हमें रिस्पॉन्स हमारा चाहिए होता है या उसके बाद नहीं चाहिए होता तो उसे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं. लोअर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी और लोअर ब्रेक फ्रिक्वेंसी भी इसका नाम है एंड कैन कैलकुलेट एज फॉलोज एक्स सी वन को अगर हम निकालना चाहें तो 1/2 πfc इनपुट ऑफ सी वन इक्वल टू आर एन के बराबर भी उन्होंने बताया कि हम निकाल सकते हैं उसके बराबर वो होती है. लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इनपुट की अगर आपको निकालनी है तो 1/2 π इनपुट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय C1 अगर आप कर लें तो इस तरीके से लोअर कट ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी भी आपको हासिल हो जाएगी. इफ द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द इनपुट सोर्स इज टेकन इनटू अकाउंट तो उस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि इनपुट जो सोर्स की रेजिस्टेंस है और इनपुट रेजिस्टेंस इन दोनों को अगर हम एडअप कर लें तो उसके नतीजे में लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इनपुट साइड की भी हमें इस तरीके से हासिल हो जाएगी. अच्छा जी
अप टिल नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी सो बता दीजिए, ताकि मैं उसे फिर एलेबोरेट कर लूँ, बता दूँ आप लोगों को, और फिर हम यहाँ से आगे चलें। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी अगर किसी को नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ओके जी, तो न्यूमेरिकल पे हम आते हैं। इस न्यूमेरिकल के बाद हम अपने पीजी के सेशन को भी स्टार्ट करेंगे, कि जो हमारा पीजी का सेशन भी आज हमें भी करना है, कंडक्ट करना है, तो वो हम 5 PM पे शुरू करेंगे। ओके जी, कम्स टू द न्यूमेरिकल। अगर इस फिगर को हम देख रहे हैं, अगर 10-11 है, कैलकुलेट द लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ड्यू टू द इनपुट RC सर्किट, अज्यूम RE-। तो इन्होंने बता दिया कि इंटरनल जो जंक्शन की रेजिस्टेंस है RE-, दैट इज 9.6 ओम, एंड बीटा इक्वल टू 200 उसकी वैल्यू है। ठीक है, बीटा DC अमूमन भी कहते हैं इसको, बीटा भी कहते हैं, और ये वेरी करता है ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर और डेटा शीट्स के मुताबिक। नोटिस दैट द स्विंग रेजिस्टर RE-1 इज यूज्ड। ठीक है, मतलब RE-1 स्विंग रेजिस्टेंस यूज हो रही है। जैसा कि मैंने बताया भी था कि हम अपनी बाईपास कैपेसिटर जब कनेक्ट करते हैं अपने इमीटर साइड पे, तो उसे कनेक्ट करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, इनके साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ RE की जो रेजिस्टेंस 1 है उसको एक डायरेक्टली सीरीज विद दैट कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो RE-1 RE-2 का कॉन्सेप्ट है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, और बाज़ बायसिंग टेक्निक्स के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते भी हैं। ठीक है, ये BJT में है, तो इसलिए हम ये ADC के अंदर पढ़ाई जाती है, तो इसलिए इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम इसको नहीं देखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग चैप्टर्स में आपको ये मिलेगा, स्टार्टिंग चैप्टर 3, 4 एंड 5। कम्स टू दैट, द इनपुट रेजिस्टेंस इज RN इक्वल टू R1 पैरेलल विद R2 एंड बीटा टाइम का RE- प्लस RE-1। अच्छा, ये वही फॉर्मूले हैं जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब जस्ट हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, तो चीज़ें इन्होंने डायरेक्टली लिख दी हैं। ठीक है, और लेकिन इनको निकालने का तरीका वही होता है कि आप पैरेलल सॉल्व किस तरीके से करेंगे, कि 1 अपॉन दिस रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन दिस रेजिस्टेंस एंड प्लस 1 अपॉन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज बीटा 200 मल्टीप्लाई बाय 9.6 ओम प्लस 33 ओम। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है, असाइनमेंट 2 का, और उसे इंक्लूड भी कर लीजिएगा, और फर्दर मैं ये प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो होपफुली आप लोग ये नोट भी कर रहे होंगे, आज असाइनमेंट 2 को यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका पहला न्यूमेरिकल मैंने आपको ये प्रोवाइड भी कर दिया। लेकिन जिस तरह ये डायरेक्ट स्टेप्स में लिखा हुआ है, ये इतना डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, ये डायरेक्टली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो उन लोगों के नंबर भी एग्ज़ाम में कटने हैं जिन्होंने इस तरह डायरेक्टली लिख दिया है कॉपी करके, तो ये डायरेक्टली लिखना अलाउ नहीं है, आपको सिंप्लीफाई करके स्टेप्स शो करके रिप्रेजेंट करना होगा, और इसलिए प्रैक्टिस करें, और इसको समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। वैसे सिंपल पैरेलल सॉल्व करने का तरीका है ये। ओके जी, जब हम ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5.63 किलो ओम हो जाएगा। उसके बाद द लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इज, उसको निकालने का तरीका क्या है, 1 अपॉन 2 पाई RN इंटू C1। अब R1 जो RN हमने निकाला था, उसकी यही वजह थी कि उसको यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, इसलिए उसको यहाँ पे यूज़ किया, 5.63 किलो ओम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और C1 की जो वैल्यू है हमारी, जो कि 0.1 माइक्रोफैरेड है, उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो लोअर क्रिटिकल इनपुट फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो कि 282 हर्ट्ज़ है। तो ये पूरा न्यूमेरिकल जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसको सिंप्लीफाई इस लेवल पे हमने इस तरह से किया है, और ऑन बिहाफ ऑफ दैट हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। रिलेटेड प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड ही है, जो कि रिपीट करनी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इनपुट कैपेसिटर विल मूव द लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी टू 130 हर्ट्ज़। तो ये करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि आपको उसने फ्रिक्वेंसी तो अभी निकाली है, उसने कहा फ्रिक्वेंसी अभी निकालनी नहीं है, फ्रिक्वेंसी उसने दी है, तो
तो आपको कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है जो सी वन होगा, तो फिर उसे कैसे निकालेंगे आप, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, सी को मान लीजिएंगे, फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसको यहाँ लिख देंगे, और 2 पाई आर इन आपका वही रहेगा जो कि 5.63 है, और सी वन तो आपको निकालना है वो तो उस तरफ चला जाएगा, और फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगी, तो फ्रिक्वेंसी 130 है। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और आपको इस तरीके से सी वन की वैल्यू इन माइक्रोफेरेड हासिल हो जाएगी। क्या यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टीज न्यूमेरिकल में है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी यहाँ तक किसी को नहीं है? ओके जी, इसके बाद मज़ीद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं रोल ऑफ के, इसको हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं, ज़्यादा इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड फ्रिक्वेंसी रिस्पांस के हैं, फिर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें एलसीएस में, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारी कोर्स आउटलाइन में भी इंक्लूड नहीं है, और इसमें ऑब्वियसली फिर हमें आगे के जो टॉपिक कवर करने हैं जो कि आपके ओपैम्स हैं, 555 टाइमर है, ऑसिलेटर्स हैं, फिल्टर सर्किट्स हैं, हमें उन्हें डिस्कस करना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर टाइम ज़्यादा हम लगाएं। अप टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस, आई विल आंसर योर ऑल काइंड ऑफ क्यूरीज, और कोई भी डिफ़िकल्टी अगर किसी को नहीं है तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। फर्दर मोर इस न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, जो हमारा ए डैश 5 है। अच्छा, ये आपका असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों को। फॉर द सर्किट ऑफ एग्जाम्पल 10-3 एज शोन, कैलकुलेट द लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ड्यू टू द आउटपुट आरसी सर्किट। अब इसके मुताबिक हमें आरसी सर्किट के मुताबिक इसे सॉल्व करना है और इसमें हमें लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है। सर्किट बिल्कुल उस तरह से ही है और साथ ही साथ इसमें हमें जो ट्रांजिस्टर दिया हुआ है वो भी सेम NPN का है। सबसे पहले तो हम अपनी ये फार्मूला भी थोड़ी देर पहले ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको इस तरह से भी निकाली जा सकती है कि आप अगर अपनी कलेक्टर की रेजिस्टेंस को ऐड कर लें अपनी लोड रेजिस्टेंस के साथ, ये दोनों को, यानी कि लोड रेजिस्टेंस और कलेक्टर रेजिस्टेंस आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, इनको हम ऐड अप कर लेंगे। ऐड अप करने के बाद हमारे पास 9.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस हासिल हो जाएगी, एंड देन लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी मालूम करने के लिए जो आउटपुट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, सॉरी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आउटपुट मालूम करने के लिए हम यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, यानी कि ये वैल्यू जो आई है 9.5 किलो ओम, इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे दिस वन, एंड कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है हमारी, सॉरी हमें यहाँ सॉल्व करें ना, तो पहले जो हमने निकाली थी अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, वो हमने यहाँ पे निकाली थी, अब हम लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं यहाँ की जानिब, ठीक है, तो लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, तो सेम एज दैट के इस सर्किट के लिए हम लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी किस तरह निकालेंगे कि यहाँ पे से आरसी और आरएल सीरीज़ में रेजिस्टेंस थी, पहले तो हमने सिर्फ एक ही को इस्तेमाल किया यहाँ पे और ये दोनों पैरेलल में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने निकाल लिया, लेकिन अब जो हमें क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी निकालनी है वो इन दोनों के दरमियान निकालनी है, तो उसको निकालने का तरीका यही है कि दोनों को सीरीज़ में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ में थे ना, ये इसके साथ सीरीज़ में है आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर, लेकिन यहाँ आप देखें तो ये जो है इसके साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, लेकिन यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ, तो इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऊपर सॉल्व किया था, और इस न्यूमेरिकल में हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में कनेक्ट होने के नतीजे में हम यहाँ पे कलेक्टर और लोड रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, और पहले हमने क्या किया था, सिर्फ आर एन निकाल के यहाँ पे प्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, और क्रिटिकल लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज हमने आउटपुट की निकाल के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद जो है ये प्लेस करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एट द एंड आउटपुट हमारा जो लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का 50.8 हर्ट्ज़ में आंसर आ जाएगा, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे निकालना है। अब ये यहाँ पूछ रहे हैं कि व्हाट इफेक्ट डज अ लार्जर लोड रेजिस्टेंस
हैव ऑन गेन एंड लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो वो कितनी होगी कि अगर हमने जो लार्जर लोड रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट किया तो हैव ऑन द गेन एंड द लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या हो सकती है लार्जर लोड अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर इसमें भी इसका जवाब देंगे। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे असाइनमेंट का जो मैंने यहाँ पे बताया है। तो अभी अगर आप थोड़ा इसमें और करें तो हमने पहले लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पे निकाली और यहाँ पे निकाली। अगर यहाँ पे हमें लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो उसका भी तरीका वही है जो आगे निकालना है। दोनों सर्किट में लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकाली जा सकती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस जानब यहाँ पे भी निकाल सकते हैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आप लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इन दोनों जगह पे लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको हासिल हो जाएगी और आप कह सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी C3 के एस्पेक्ट में क्या होगी, तो वो निकालना भी सीख लिया हमने, और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी C2 के एस्पेक्ट पे क्या होगी, तो वो निकालना हमने अबव न्यूमेरिकल में सीखा है। तो होपफुली ये चीज़ आपको अंदाज़ा हो गई होगी। बाकी मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा असाइनमेंट 2 का। सेशन यहाँ पे एंड होने में लेस देन अ मिनट रह गया है, यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। और ये भी एक असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये भी फर्दर नेक्स्ट सेशन पर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इस न्यूमेरिकल 10-6 से। तो कोई डिफ़िकल्टी यहाँ तक किसी को नहीं है तो फिर हम सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। और अल्लाह हाफिज़।